जय हिंद दोस्तों। 30 अप्रैल को अपने अपने सांसद को, लोकल सांसद को, लोकल एमपी को ज्ञापन सौंपना है। उसके संदर्भ में रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं सभी JCOR संगठनों द्वारा, और बड़ी मात्रा में संगठन जगह जगह पर जाके अपने सांसद को ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन में क्या करना है पूर्व सैनिकों को, उसके बारे में दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और ज्ञापन सौंपने के बाद उनको सांसद को एक चेतावनी भी देके आना है। इस पर भी एक जानकारी दी गई है कि सांसद महोदय को चेतावनी देके आना है, कि क्या चेतावनी देके आना है वो भी बताएंगे, और इसमें बताएं कि जो आंदोलन में शामिल होंगे उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जो घर में रहेंगे घर बैठे भूतपूर्व सैनिक JCOR के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले एक एक करके बताएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है और लोगों को इतना शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों सैनिकों को शेयर करें, जिससे कि सभी के पास ये ज्ञापन जो सौंपा जाएगा उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञापन सौंपने जाते हैं हम अपनी बात कह नहीं पाते, तो इसमें सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले बता दें कि सभी को, पूर्व सैनिकों को ये निर्देश ध्यान रखने हैं। प्री पूर्व सैनिक भाइयों, 9 अप्रैल 2023 को पूरे देश में अधिक से अधिक पूर्व सैनिक संगठनों के संघर्ष को धार देने के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें संगठन के आई लॉ, विधान व नियमावली, लोगो आदि तैयार होकर फेडरेशन के पंजीकरण की तैयारियां चल रही हैं। यानी कि जो पूरे सभी संगठनों का फेडरेशन तैयार किया गया है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, उसके लोगों और उसके नियमावली की तैयारियां चल रही हैं। सभी के सहमत से 30 अप्रैल 2023 को भारत के सभी पूर्व सैनिक अपने अपने संगठनों के साथ अपने अपने क्षेत्र के सांसद को ज्ञापन देने का अभियान आयोजित करने जा रहे हैं। सांसद महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु आपके लेटर पैड पर प्रिंट करने के लिए एक कवरिंग लेटर भी दिया गया है। इसमें एक कवरिंग लेटर दिया गया है और 5 पेज और संलग्न करने हैं, जो 16 ज्ञापन होंगे, 16 मांगे होंगी। उसके 5 पेज ज्ञापन का मसौदा आपको दिया जा रहा है, उसको ध्यान से लेके जाना है, वही ज्ञापन सभी को सौंपना है। सुनिश्चित करें कि रैली या जुलूस में के रूप में जा रहे यह ज्ञापन सांसद जी को प्रस्तुत करें और उसकी रसीद उनके स्टाफ से जरूर प्राप्त करें। 6 प्रतियां तैयार करनी है, 6 फोटोकॉपी तैयार करनी है, 1 प्रति सांसद महोदय के रिकॉर्ड के लिए रखना है, 1 आपके संगठन के रिकॉर्ड के लिए रखना है, 3 कॉपी सांसद महोदय द्वारा आगे रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को देने के लिए आगे दी जाएगी, 1 प्रति फेडरेशन के ईमेल करना है, फेडरेशन को ये ईमेल आईडी है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। साथियों, यह लंबा संघर्ष है, आगे मांगे पूरी होने तक हमें मोर्चे पर डटे रहना है, क्योंकि हम ढीला नहीं पड़ सकते। अगर ढीला पड़ गए तो फिर वही का वही कहानी बदल जाएगी, जीत हमारी होगी। पहली बार JCO जवान अपने हित के लिए खुद लीडर बनकर नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि हम खुद नेतृत्व कर रहे हैं, एक शुभ संकेत है। इस संदेश को सभी पूर्व सैनिक संगठन के पास प्रसारित करें, उनके पास भेजें। 30 अप्रैल के अभियान को सफल बनाने के लिए आप लोगों से अपील है, जय हिंद। यह लिखा है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हेड हैं। अभी बात कर लेते हैं क्या क्या आपको उनको, सांसद को क्या क्या देना है। तो उसके संदर्भ में दिया है, सेवा में ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन दिल्ली में अधिकृत होने के लिए एक ज्ञापन सौंपना है कि इसको अधिकृत किया जाए, फेडरेशन को एक मान्यता दी जाए। इनको मानता देने के लिए 9 अप्रैल 2023 को एनडी तिवारी भवन में संगठन का गठन हुआ, जिसका नाम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रखा गया। इसको समर्थन करने के लिए, इसका गठन करने के लिए इसको पंजीकरण किया जाए और उसमें इसको मान्यता भी दी जाए। JCOR की बात रखने के लिए हमारे संगठन को संबंध इकाई के रूप में स्वीकृत प्रदान की जाए, अनुग्रहित करें। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी दिया है। अब आपको क्या ज्ञापन सौंपना है वो भी इसमें दिया है। और बता दें, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, अपने घर में अगर आप आंदोलन में जा रहे हैं तब तो बढ़िया है, आपको आंदोलन में जाना है, लेकिन घर में भी हैं, आप घर से भी बैठे आंदोलन में भाग ले सकते हैं।
आंदोलन में भाग लेने के लिए आपको जितने भी वीडियो उस दिन प्रसारित किए जाएंगे आपको सोशल मीडिया में शेयर करने हैं। आप अपने मोबाइल से घर बैठे आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो जितने भी घर में रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो आंदोलन में भाग लेंगे वो वीडियो को बनाकर वीडियो बनाएंगे और उसको मेरे व्हाट्सएप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, व्हाट्सएप में उसको शेयर करें, जिससे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और सारे को सोशल मीडिया में इसको प्रसारित करूंगा। तो आप जरूर वीडियो बना के उसमें डालें, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। इसमें अभी जो सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपना है इसमें आपको उन सांसद महोदय का नाम लिखना है, लोकसभा क्षेत्र लिखना है। इसके बाद ये ज्ञापन आपको, इसकी फोटोकॉपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फोटोकॉपी आपको रखना है। इसमें दिया है युद्ध विधवाओं, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों हेतु ज्ञापन है, जिसमें की सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं जो कि आपको मैंने पहले ही बताई हैं। डिसेबिलिटी, कई तरह की मांगे हैं और 16 मांगों का ये तो एक कवरिंग लेटर है। कवरिंग लेटर के साथ में आपको 16 मांगों का एक ज्ञापन सौंपना है। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के की संबंध इकाई के रूप में राष्ट्र रक्षार्थ समर्पित लाखों पूर्व सैनिकों को वर्ग से संबंधित संलग्न मांग अनुसार समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रार्थना करते हैं। सांसद महोदय आपसे भी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि हमारे मुद्दे को लोकसभा व राज्यसभा में उठाकर मांगों का समाधान करें। आशा है कि हम लोक कल्याण सरकार की शीघ्र न्याय प्रदान कर राहत प्रदान की जाएगी, यानी कि लोकसभा में भी इस मांग को उठाने के लिए उनसे कहना है। नहीं तो आगे इसमें जो दिया है पॉइंट वो भी आपको ध्यान रखना है, क्या पॉइंट दिए हैं। पहले तो मांगे हम दिखा देते हैं, वो मांगे आपको इसमें ये भी संलग्न करना है कवरिंग लेटर के साथ, ये मांगों का आपको संलग्न करना है। बता दें 70 दिन से जो धरना चल रहा है, पहली मांग है ओआरओपी में जो विसंगतियां आई हैं उसके बारे में है। 1973 में जेसीओ जवानों की जो पेंशन बनती थी 75% पेंशन हुआ करती थी, बेसिक का जो आपकी सैलरी बनती थी सैलरी का 75% हुआ करती थी, जो कि अब 50% किया गया है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसका जो बढ़ाने के लिए ओआरओपी में बढ़ाने के लिए बात कही गई थी और उसमें 2014 में जब लागू हुआ तो इसमें बढ़ाई नहीं गई। इसके बाद ओआरओपी निर्धारण में पे स्केल नेशनल मैक्सिमम का पे स्केल रैंक और ग्रुप के आधार पर दिया जाना चाहिए। 2013 में रिटायर हुए जेसीओ व जवानों की पेंशन मैक्सिमम और मिनिमम के औसत के आधार पर किया जाना था। विसंगतियां जिससे उत्पन्न हो गई, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम कर दी गई जिससे की विसंगतियां उत्पन्न हुई। अब इसके बाद तीसरी जो मांग है, सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया है कि ओआरओपी 1 में जो भेदभाव हुए इसमें कहा गया सिपाही की बढ़ोतरी ठीक हुई है, लेकिन जैसे ही जेसीओ की बारी आती है उसमें बढ़ोतरी ओआरओपी 1 में भी कम हुई है, और अब ऑफिसर की आप देख सकते हैं 31% की बढ़ोतरी हुई है। एवरेज अगर देख लें तो 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें कहा गया है लेफ्टिनेंट और कैप्टन कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन एक बेवकूफ बनाने वाली बात है कि लेफ्टिनेंट को हमने देखो कम बढ़ोतरी की है 4% और 6% कैप्टन की, तो ये गलत है। लेफ्टिनेंट कैप्टन कभी रिटायर ही नहीं होते हैं, मिनिमम अगर रिटायर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से, क्योंकि उनकी एक पे एक स्केल बॉन्ड उनका प्रमोशन है, इसलिए वो लेफ्टिनेंट कर्नल से ही रिटायर होते हैं, जो मिनिमम रिटायर होते हैं। इसके बाद मिलिट्री सर्विस पे के बारे में कहा गया है, मिलिट्री सर्विस पे जो कठिनाई और जोखिम होता है उस हिसाब से दी जाती है, जो कि जेसीओ जवानों को 5200 रुपए मिल रही है, अधिकारी वर्ग को 15,500 रुपए मिल रही है, जो कि बराबर होनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जिससे कि ये कठिनाइयों और जोखिम की जांच होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कठिनाई और जोखिम किसको है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और तीसरी मांग है डिसेबिलिटी को लेकर, डिसेबिलिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जेसीओ ओआर को जो डिसेबिलिटी 2006 मिलती थी 3500 रुपए मिलती थी और 2019 में 9000 रुपए मिल रही है, जबकि ऑफिसर को 5880 रुपए मिलती थी, यानी कि दो गुना भी नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही 2019 आया 50% डिसेबिलिटी 75,000 रुपए मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1175% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जवान जेसीओ की 156% की ही मात्र बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें डिसेबिलिटी की सभी की बराबर होनी चाहिए, और इसके बाद रिजर्विस्ट पेंशन ओआरओपी नहीं देना भी गंभीर शोषण किया गया है, यानी कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को भी
ओआरओपी का लाभ देना चाहिए। इसके बाद कहा गया है एक्स ग्रुप की पेंशन में जो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं प्री 2016 और पोस्ट 2016 को, इसमें जो 3600 और 6200 रुपए बेसिक में जोड़ा जाता है वो कि सबके लिए 6200 होना चाहिए, ना कि 3600 होना चाहिए। तो इस विसंगति को उठाया गया है। बिना आर्थिक लाभ के मानक पद देना कोई औचित्य नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आप एक उनको पद से रिटायरमेंट के बाद सैनिकों को पद से दे देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं देते हैं, तो लाभ भी देना चाहिए। अगर पद दे रहे हैं तो लाभ भी देना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद कई लोग प्रमोट हो जाते हैं। प्री मैच्योर को भी लाभ मिलना चाहिए। इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है कब से कब तक लाभ देना चाहिए। इसमें कहा गया है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बाद रिटायरमेंट होते हैं जो भी सैनिक, उनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। 15 साल अगर उनकी पेंशन निर्धारित हो जाती है तो ओआरओपी का भी लाभ मिलना चाहिए, चाहे किसी भी चाहे 2023 का ही क्यों ना रिटायरी हो, सभी को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को इसका लाभ मिलना चाहिए। सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन का आधार नए पे मैट्रिक्स लेवल करने से नुकसान हुआ है। नए पे मैट्रिक्स लेवल से ये नुकसान हुआ है जो नए रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन कम और पुराने रिटायरमेंट वालों को ज्यादा मिल रही है। इस वजह से पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि की जाए, क्योंकि जब एक सैनिक पूर्व सैनिक खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को पालन पोषण करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आय कमाने का साधन था वो खत्म हो जाता है। 60% से बढ़ाकर उसकी 100% पेंशन रखी जाए। पारिवारिक पेंशन जो पेंशन मिल रही वही पेंशन रखी जाए। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन में वृद्धि की जाए, क्योंकि ये रैंक मेजर तक की पेंशन इनको दी जानी चाहिए, मेजर रैंक तक की। जोखिम भरे अभियान सेवा के लिए सभी को समान भत्ते दिए जाना चाहिए, क्योंकि जोखिम अगर समान है तो भत्ते भी समान दिए जाने चाहिए। इसके बाद ये कहा गया है कि सेवादारी प्रथा भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये दास प्रथा है और दास प्रथा अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, इसको शीघ्र ही खत्म करना चाहिए। दास प्रथा का अंत होना चाहिए। वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं हेतु दिए जाने वाले पदकों और पारदर्शिता, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक पारदर्शी सिस्टम लागू करना चाहिए पदक देने में। अधिकारियों की तर्ज पर जेसीयू जवानों को भी टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए। एमएससीपी अगर दी जाती है तो 3 MACP 17 साल में दी जानी चाहिए, नहीं तो टाइम स्केल प्रमोशन होना जरूरी है जवानों जेसीयू का। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जेसीयू व जवानों का पक्ष उनसे ही सुना जाए, अधिकारियों से नहीं। यानी कि जेसीयू जवानों का पक्ष खुद उनसे सुना जाए। अधिकारी वर्ग अपना पक्ष रख सकते हैं, जेसीयू जवान का नहीं रख सकते हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ही हमारा पक्ष रखने का अधिकृत हो, यानी कि जो ये एसोसिएशन बना है यही ही जेसीयू वार का ही पक्ष रखे, दूसरा कोई ना रखे। इसके बाद 70 दिनों से चल रहे आंदोलन में हमारा एक इसमें कहा गया है कि आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि लोक कल्याण सरकार राष्ट्र रक्षा में समर्पित पूर्व सैनिक के हितों में सरकार शीघ्र ही मांगों का समाधान करेगी। लाखों पूर्व सैनिक इस पर विचार करें। और बता दें कि इसमें यह कहा गया, सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए कहा गया है कि 30/4/2023 को सभी सांसदों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करने के निवेदन किया जाता है। सरकार को संज्ञान में ले वार्ता कर समाधान किया जाए, अन्यथा संसद का घेराव जैसे कदम उठाने को हम मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है हम संसद का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। यानी कि सांसद महोदय से यह भी कह के आना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम संसद का घेराव भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिससे कि हमारी बात सभी के पहुंचे और 30 तारीख को महाधरना महारैली आयोजित हो सके। थैंक यू। जय हिंद।